चलाने का कभी हमारा जो है मकसद नहीं था। केवल मेट्रो बननी थी सन 2006 में, तो उस समय में देखने के लिए आया तो गरीब स्तर के बच्चे जो है उधर इधर उधर घूम रहे थे। तो उनके माँ बाप से मैंने बात किया कि आप बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हो, तो उनका जवाब था कि स्कूल यहाँ पर दूर है। बच्चे बड़ी बुरी दिशा में थे, कपड़े फटे फटारे पहने हुए थे, मट्टी धूर में लिसरे हुए थे। तो मेरे को कुछ अंदर से ही लगा नहीं बच्चों के साथ में कुछ करना चाहिए हमको। मेरा दिमाग केवल एजुकेशन पर पहुँचा। मैंने कहा इनको अगर हम पढ़ाना शुरू करें तो काश है ये स्कूल जाना सीख जाएंगे। स्कूल जाना सीख जाएंगे तो इनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं तो इनके घर में एक रास्ता मिलेगा, और रास्ता मिलेगा तो बच्चे का विकास भी होगा, प्लस जो परिवार का भी विकास होगा। तो वहाँ पर जो है एक पेड़ के नीचे दो बच्चों को लेकर के मैंने पढ़ाना शुरू किया था। आज वो बच्चे 10वीं 11वीं क्लास जो है पार कर गए हैं, वो साथ में जुड़ रहे हैं, आज भी मेरे साथ में हैं वो। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर बनना चाहती हूँ। आप इंजीनियर बनते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। तो आगे क्या पढ़ाई करनी है या कोई और सोच है? नहीं, अभी तो स्कूल में भी जाते हैं, तो अभी यहाँ पर बस पढ़ाई करते रहते हैं। मैं साइंस हिंदी इंग्लिश 10th क्लास में। कहते हैं कि नमाज पढ़ने आए रोजा सिर पड़ गए। हम तो भलाई करने के लिए छोटा सा काम लेकर के गए, अब इतना बड़ा काम हो गया कि हमारे पर नहीं संभाला जा रहा था। 2010 से बच्चों को भी मैं निकाल के स्कूलों में पहुंचा रहा हूं, फिर भी मेरे पास में 270 बच्चे हैं यहां पर। फिलहाल 270 बच्चे मेरे पास में यहां पर पढ़ रहे हैं, जिसमें 140 के करीब लड़कियां हैं यहां पर, वो लड़के हैं, और 130 के करीब लड़कियां हैं। 5 जनवरी 2015 में मैंने जो है यहाँ पर एक लड़कियों को भी दो लड़कियों से स्टार्टिंग किया था। आज वो लड़कियाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 140 के लगभग जो है 30-40 के करीब हो चुके हैं मेरे पास। अच्छा है, बच्चे तो सारे एक ही जैसे होते हैं, जो जैसे परिवेश में पल जाते हैं उस तरह के हो जाते हैं। इनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं तो वो जानते नहीं पढ़ाई लिखाई क्या होती है, तो इसलिए वो कुछ वो नहीं करते। लेकिन हम लोग इनको इकट्ठा करके भी पढ़ाते हैं कि ताकि ये भी औरों की तरह ये भी अच्छा बन सकें, कुछ अपने बारे में सोच सकें। मैं समझती हूँ कि एजुकेशन से बड़ा कोई ताकत नहीं होती, जिसके पास एजुकेशन है समझो उसके पास सब कुछ है। हम यही चाहते हैं कि एक अच्छा इंसान बने, यह तभी संभव है जब वो शिक्षा को अच्छी तरह से कवर करे। तो अच्छा इंसान बनाने के लिए हमने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया।